बड़ी माजरत के साथ अभी आपने खुद फरमाया सॉलिड वेस्ट को मख्तस कर रही है, आपने अभी खुद फरमाया कि ये गैर संजीद और शायद ईगोज की नजर हो रहा है मसला। बहरहाल आप एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, इसीलिए आपको जहमत भी दी इस मसले को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, कराची के अवाम भी आपको जानते हैं, आपको उस शहर का एहसास भी है, इसीलिए आपको जहमत दी कि आप तशरीफ लाएं। आपने जब खुद कहा, आपके मुंह से जब मैं ये बात सुन रहा हूँ कि ये गैर संजीदगी का मुजाहरा हो रहा है, तो मुझे जरा मदद कीजिए समझने में। मैं तो यही समझ पा रहा हूँ कि फिर आप जो मेयर कराची का कॉन्डक्ट है, आप उसको भी गैर संजीदा गर्दान रहे हैं। आपके नज़दीक जो उन्होंने नोटिफिकेशन किया और मुस्तफ़ा कमाल साहब को प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज लगाया, आपके नज़दीक वो भी एक गैर संजीदा अमल था। मेरी जरा मदद कर दीजिए और लोग जो आपको सुन रहे हैं उनकी भी मदद कीजिए। अच्छा मुनीब भाई, आपने तहिया कर लिया है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ आप कार्रवाई करवाएं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रेहान भाई, नहीं। आप सर, आप आए हैं यहाँ पर, आप बहुत मोहतरम है, लेकिन कराची के अवाम भी तो आपको सुन रहे हैं ना। नहीं देखें, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये मौजूद गुफ्तगू नहीं होना चाहिए इस वक्त। आई एम सॉरी विद ड्यू अपोलॉजीज। आप सेंट्रल के चेयरमैन है सर, मुझे बताएं और मौजूद रेहान भाई, मुझे बता तो दे सर कि कराची, आपने खुद सर आपने खुद कहा कि ये एक मजाक बन गया है, पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। मुझे बताइए, मैं हैसियत एक पाकिस्तानी, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लाहौर के अंदर बैठा हूँ, लेकिन कराची का मजाक बन रहा है, तो मैं आपसे ही पूछूंगा ना सर। देखें, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ कराची, चाहे कोई भी हो, क्या पूरे पाकिस्तान में पहले जिस तरह एक स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्ट परसेप्शन डेवलप कर दिया गया था, भत्ताखोरी से मंसूब, बोरी बन लाश से मंसूब या दीगर चीज़ें, तो ये दोबारा कचरा के नाम से मंसूब क्या किया जा रहा है? ये कराची को किस तरफ धकेला जा रहा है? हमें तो अभी बात होनी चाहिए थी कि गार्बेज लिफ्टिंग जीटीएस को मैकेनिज्म को मौसर किस तरह बनाए, उसको साइंटिफिक अंदाज में किस तरह बनाए। अगर फेडरल गवर्नमेंट हेल्प कर रही है तो फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन सेट कैसे करें, उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन अगर किसी मुखालिफ का भी हो, उस मुखालिफ के एक्सपर्ट ओपिनियन को लेकर उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। सर कि नहीं लिया ना, वो तो आपने खुद ही बता दिया कि ईगोज की नजर हो गया, उसको कैसे तमाशा बन गया, ईगोज की नजर हो गया। आपने खुद ही फरमाया, अभी आपने खुद फरमा लिया कि वो ईगोज की नजर हो गया। देखे तो देखे ना, इससे कराची वालों को नुकसान हो रहा है ना, कराची को नुकसान हो रहा है। संजीदा हलके इसको सीरियसली नहीं ले रहे। कराची का जो तबका है, संजीदा तबका, वो मुतकाजी है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं तो गुजारिश ये करूंगा कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन मिलना चाहिए था, कहीं से भी हो, ये चीजों को बेहतर करने के लिए। भाई मैं आपकी मजबूरी भी समझ सकता हूँ, आपके पास यकीनी तौर पर जवाब भी है, आपके पास शायद प्रपोज करने के लिए सोल्यूशन भी हो, लेकिन आपकी मजबूरी